देश में झूठ की फैक्ट्री चलाने वालों और आधार पर वार करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने ही आईना दिखा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आधार पर हमला करना संविधान के खिलाफ है। आधार आम लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है, इससे समाज में हाशिए पर बैठे लोगों को बेहद फायदा हो रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस इसका विरोध कर क्यों रही है? तो जवाब है, क्योंकि उसका अपना खुद का आधार निराधार था, जबकि पीएम मोदी ने इसे ताकत देकर देश का प्यार बना दिया। तो चलिए समझते हैं कि क्या फर्क है दोनों के आधार में। कांग्रेस वाले आधार का कोई कानूनी आधार ही नहीं था, जबकि पीएम मोदी इसके लिए आधार एक्ट लाए और उसे कानूनी ताकत दी। कांग्रेस का आधार देश में मान्य पहचान पत्रों की फहरिस्त में महज एक और पहचान पत्र जैसा ही था, जबकि मोदी सरकार ने इसे जैम और 260 दूसरी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा, जैसे पहल, पीडीएस, स्कॉलरशिप, पेंशन, मनरेगा और जनधन योजना। इसका इस्तेमाल परीक्षाओं से फर्जी उम्मीदवारों को हटाने, भीम और जीवन प्रमाण को आसान बनाने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस के आधार का न कोई साफ मकसद था और न ही कानूनी प्रावधान, बस हजारों करोड़ रुपया यूं ही फूंक दिया गया। लेकिन मोदी सरकार ने इसे नई पहचान दी और पैसे की इस बर्बादी को पैसे बचाने के लिए इस्तेमाल में लिया। मोदी सरकार ने डुप्लीकेट और फर्जी लाभकर्ताओं को हटाकर आधार से 90,000 करोड़ रुपए बचा दिए। अब दोनों सरकारों द्वारा आधार के इस्तेमाल का फर्क भी समझ लीजिए। 31 मई 2014 को पहल के तहत सिर्फ 2,82,00,000 एलपीजी कनेक्शन ही जुड़े थे, जो कि अब यानी 15 सितंबर 2018 को 22 करोड़ 18 लाख हो चुके हैं। भोजन और राशन वितरण के लिए 1,20,00,000 राशन कार्ड जुड़े थे, जो अब 19 करोड़ हो चुके हैं। और बाकी योजनाएं तो कांग्रेस के वक्त में आधार से जुड़ी ही नहीं थी, जबकि मोदी सरकार में मनरेगा जॉब कार्ड 10,13,00,000, एनएसएपी पेंशन स्कीम 1,92,00,000, एपिक कार्ड 31 करोड़, पासपोर्ट 1,36,00,000, सीबीडीटी इनकम टैक्स 21 करोड़, जीवन प्रमाण 2014 से 1,73,00,000, ईपीएफओ 4,73,00,000। आधार के द्वारा कांग्रेस सरकार के वक्त में सिर्फ 4,474 करोड़ रुपए सब्सिडी ट्रांसफर हुई, जबकि मोदी सरकार में ये आंकड़ा 1,47,349 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है।